आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी में एक वर्ड आजकल बहुत चर्चा में है, उस वर्ड का नाम है कॉमन आईटीसी। सर ये वर्ड चर्चा में क्यों है? क्योंकि कॉमन आईटीसी को लेकर जीएसटी डिपार्टमेंट बड़े नोटिस भेज रहा है। लेकिन क्या कॉमन आईटीसी जिसे डिपार्टमेंट कह रहा है वो सही है या गलत, आज उसकी जांच हम करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखकर बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कॉमन आईटीसी से, आपके हिसाब से कॉमन आईटीसी क्या होता है, कॉमन आईटीसी की टर्म जीएसटी लॉ में या रूल्स में कहाँ लिखी हुई है, फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल सही कमेंट करा कुछ लोगों ने, कॉमन आईटीसी जो वर्ड लिखा हुआ है वो रूल 42 में लिखा हुआ है। रूल 42 क्या कहता है, रूल 42 क्या कहता है और डिपार्टमेंट किसे कॉमन आईटीसी कहता है, आज आप फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत है। जब हम रूल 42 को पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आइटम्स का आईटीसी ले रहा है तो हम पूरे आईटीसी को डिनोट करते हैं टी से, हम पूरे आईटीसी को डिनोट करते हैं टी से। अगर उसमें से एक हिस्सा ऐसा है उस बिल का, उस आईटीसी का एक हिस्सा ऐसा है जो कि पूरा का पूरा ठीक है ना, पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है या अदर देन बिजनेस के लिए हो रहा है, उसे हम बोलते हैं T1। और अगर उस आईटीसी का कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हो रहा है उसे हम बोलते हैं T2। और अगर कोई हिस्सा सेक्शन 17(5) के लिए हो रहा है उसे बोलते हैं T3। पूरा आईटीसी है T और इनमें से तीन आईटीसी हमें नहीं मिलते जिनका नाम होता है T1, T2, T3 और एक हमारा आईटीसी होता है जिसे हम बोलते हैं T4, जो कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ होता है, उसका आईटीसी हमें मिलता है। अब अगर पूरे आईटीसी टी में से हम चारों को घटा दें, T1, T2, T3, T4, तो जो रिमेनिंग हिस्सा बचता है उसे रूल 42 के हिसाब से कॉमन आईटीसी बोलते हैं। लेकिन जब आप जीएसटी का नोटिस देखोगे, जीएसटी के नोटिस में जितना भी आईटीसी हमने लिया डिपार्टमेंट उसे पूरे आईटीसी को, पूरे टी को कॉमन आईटीसी बोलता है, जो कि गलत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वो गलत है या नहीं। डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कि कॉमन आईटीसी क्या है। कॉमन आईटीसी वो आईटीसी होता है जिसका हमने एग्जेम्प्ट में भी यूज़ करा, एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी यूज़ करा, टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज़ करा और जिसे हम इनवॉइस लेवल पर डिसाइड नहीं कर पाए कि वो एग्जेम्प्ट के लिए है या टैक्सेबल के लिए है, उस हिस्से को कॉमन आईटीसी बोला जाता है, समझ आई मेरी बात या नहीं। तो यहाँ पर जब आप कॉमन आईटीसी की टर्म को जीएसटी में देखोगे तो रूल 42 में उसे हम कॉमन आईटीसी बोलेंगे। और इस कॉमन आईटीसी में से हमें रिवर्स करना होता है। अगर कोई आईटीसी हमने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए लिया है तो आप उसे कॉमन आईटीसी का हिस्सा नहीं बना सकते। तो अगर आपको इस तरह का नोटिस आ रहा है तो आप इसका रिप्लाई दीजिए और रिप्लाई देते समय आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप एक ऐसी टेबल बनाकर डिपार्टमेंट को दें, ये क्लियरली मेंशन कर दें, जिसमें आप ये क्लियरली मेंशन कर दें कि मेरा टोटल आईटीसी कितना था और T1, T2, T3 में मेरा कोई भी आईटीसी नहीं है जो कि मैं रिवर्स करूँ, मेरा सारा आईटीसी T4 वाला है जो कि एक्सक्लूसिवली है, तो यहाँ पर मेरा कॉमन आईटीसी 0 है। जब मेरा कॉमन आईटीसी 0 है तो मैं रिवर्सल किस बात का करूँ, तो इस तरह के रिप्लाई में आपको ये देना है। अगर आपको जानना है रूल 42 क्या है, रूल 43 क्या है, पूरा जीएसटी जानना है, तो आज अभी आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारा फ्री कोर्स ले
फ्री कोर्स अच्छा लगता है तो पेड कोर्स में एनरोल कर ले, ठीक है ना जी। तो ऐप को डाउनलोड करके पूरा कोर्स देख सकते हैं। और इस संडे हमारा GSTR 993 पर भी सेशन है, अगर आपने अभी तक उसमें एडमिशन नहीं लिया है तो फटाफट से उसमें एडमिशन ले लो, क्योंकि सीट लिमिटेड है। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।